फ्रेंड्स, ताक्षु के रसोई एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं हूँ बबीता और आज हम बनाने वाले हैं गीले नारियल की बर्फी। किस तरीके से बनाती हूँ मैं, आपको वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है, क्योंकि इस बार मेरी बर्फी ख़राब हो गई थी। और फिर मैंने बर्फी ख़राब हो गई है तो मैंने उसको ठीक भी किया और उसके बाद जो रिज़ल्ट आया है वो एकदम मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। मुँह में जाते ही घुलने वाली मिठाई बन के रेडी हो गई है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखिए, मैंने नारियल ले लिया था, मीडियम साइज़ के दो नारियल ले लिए थे। उसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके ऊपर का जो था ब्लैक कलर का जो छिलका रहता है वो मैं निकाल ली हूँ, पूरा वाइट रखी हूँ कि बर्फी पूरी ऐसी, मतलब जिसमें ऐसा काला काला डॉट्स नहीं है तो अच्छा लगता है, इसलिए मैंने पूरा वाला ब्लैक वाला ऊपर का निकाल लिया है पार्ट। और देखिए, इसको मैं मिक्सी जार में हमको पीसना है। इसको आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं, अगर कद्दूकस करके आप मिक्सी में पीसोगे तो एकदम अच्छे से पीसा जाएगा, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मुझे जल्दी बनाना था, इसीलिए जल्दी के चक्कर में तो मेरा बिगड़ ही गया था, वो तो आपको आगे दिखने ही वाला है कि क्या हो गया था। तो चलिए, अभी हम इसको मिक्सी के जार में डाल दिया तो हम इसको पीस लेते हैं। इसको हमको बारीक पीसना है तो थोड़ा रुक रुक के पीसिए, एक बार में नहीं पीसा जाता है अच्छे से। तो देखिए, पीस लिया है और किस तरीके से पीस लिया है आप देख सकते हो। देखिए, अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसके बाद जो भी हमारा बचा हुआ है नारियल का टुकड़ा उसे भी हम पीस लेंगे। स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए तभी आपको मेरी मिस्टेक समझ में आएगी। बहुत लोगों के साथ ऐसी मिस्टेक हो जाती हैं तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि हम मिस्टेक तो हो गई है, हमारी बर्फी भी ख़राब हो गई है। तो आप बर्फी कैसे ठीक कर सकते हो वो भी मैंने इसमें बताया है, इसीलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। तो देखिए, इसको हमने प्लेट में निकाल लिया है, सब निकाल लिया है और इसको अभी हम मेजरमेंट कर लेंगे। तो एक कप लिया है मैंने, अगर आपके पास कप ना हो तो आप कटोरी से भी मेजरमेंट कर सकते हो। तो इसको मैं कप में डाल दूंगी और देख लूंगी कि ये पूरा टोटल कितना बना है। तो देखिए, एक कप तो मेरा फुल हो गया है। इसको हम बाउल में रख देते हैं। अभी हम वापस जो बचा है हमारा प्लेट में उसे भी हम कप में डाल के मेजर करेंगे। तो ये भी हमारा दो कप हो गया है, दो कप होके भी हमारा बचा है थोड़ा सा आधा, उसे भी हम कप में डाल लेते हैं। ये डालने के बाद मतलब टोटल हमारा ढाई कप हो गया है। तो ढाई कप के हिसाब से हमें शक्कर लेनी है, इसीलिए हमने मेजरमेंट किया है। तो यहाँ मैं ढाई कप के हिसाब से मैं एक कप ले रही हूँ शक्कर, एक कप शक्कर लूँगी। उसके बाद मैंने इस पे देखिए कढ़ाई रख दी है गैस पे और शक्कर मैं कढ़ाई में डाल दूँगी, गैस मेरा एकदम स्लो में चल रहा है, डाल दी है। देखिए, अगर आप कम मीठा खाते हो तो कम भी शक्कर ले सकते हो यहाँ। और इसमें मैं थोड़ा सा ही पानी डाल रही हूँ, पानी वैसे मुझे नहीं डालना था लेकिन फिर भी जो मिक्सी में जो लग गया था दूध ही है पूरा नारियल का, तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल दी हूँ, एकदम थोड़ा सा हल्के, दो तीन चम्मच से, छोटे चम्मच से, ज़्यादा नहीं है। उसके बाद हमको स्लो में उसको पकाना है शक्कर को। और थोड़ा सा मैं इसमें नींबू का रस डाल दे रही हूँ, दो तीन बूंदे डाल दूँगी। और इसको भी हमको स्लो में ऐसे धीरे धीरे पकाना है। आप एकदम ना तेज नहीं करना गैस, नहीं तो हमारी शक्कर पूरी जल जाएगी। एकदम स्लो में सिर्फ मेल्ट करना है हमको, कोई चाशनी वासनी नहीं बनानी है, सिर्फ हमको मेल्ट करना है शक्कर। तो देखिए हमारी शक्कर कैसे मेल्ट हो रही है, तो मेल्ट हो रही है, थोड़ा सा वाइट लग रहा है अभी भी अंदर। और हम इसको एक दो मिनट स्लो में चलाएंगे तो ये अच्छे से हमारी शक्कर मेल्ट हो जाएगी। और देखिए, सिर्फ दो चीज़ों से बनने वाली है बर्फी हमारी, इसमें कोई चीज़ नहीं लगी, एक नारियल बुरादा और इसमें पड़ा है सिर्फ शक्कर, दो ही चीज़ों से बर्फी बन रही है। ना आपको खोया चाहिए यहाँ, ना कुछ किसी प्रकार का खोया या मिल्क पाउडर या कुछ भी नहीं, सिर्फ दो चीज़ों से बनने वाली है। तो ये वाली रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करके देखना। तो देखिए, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, सब नारियल का हमने उसमें डाल दिए हैं बुरादा, और उसको अच्छे से चम्मच से हम मिक्स कर लेते हैं। गैस हमको स्लो ही रखना है, गैस हमें तेज़ नहीं करना है। उसके बाद मैंने एक प्लेट ले ली है, प्लेट को मैं थोड़ा सा घी लगा के उसको ग्रीस करके रख दूँगी। तो प्लेट में थोड़ा सा घी डाल देते, वो तो धीरे धीरे वहाँ पर पक रहा है, उतने समय तक हम प्लेट में थोड़ा सा घी लगा के ग्रीस कर देते हैं। तो देखिए, यह लगा दिया है,
फिर इसको हम साइड में रख देंगे अभी। और वापस अभी हम चेक करेंगे उसको, देखिए अभी हमारा नहीं हुआ है पक के, अभी पानी है। जब पानी इसमें का सूख जाएगा तभी ये पक जाएगा। अगर पानी अगर थोड़ा सा रह जाता है गलती से और मिठाई हम ऐसे ही बना लेंगे ना, तो क्या होगा ना, अगर आप ज़्यादा दिन नहीं रह पाएगी, एक दो दिन में ही आपको ख़त्म करनी पड़ेगी, क्योंकि वो ख़राब हो जाती है ज़्यादा दिन। नारियल की चीज़ है ना, तो थोड़ी सी अजीब सी लगती है खाने में, महक आती है। तो आपको ज़्यादा दिन रखनी है तो आप थोड़ा अच्छे से पकाइए। और इसमें मैं थोड़ा सा येलो कलर का फूड कलर डाल रही हूँ। अगर आप और कोई कलर की मिठाई बनाना चाहते हो तो आप वो भी कलर डाल सकते हैं, या फिर आप वाइट रखना चाहते हो तो वाइट भी रख सकते हैं। लेकिन मैं वाइट इसलिए नहीं रखी कि पूरी वाइट नहीं बनती हैं, इसीलिए मैंने इस तरीके से येलो फूड कलर डाल दिया। और देखो मैंने इसको प्लेट में पूरा डाल दिया है, और देखिए पूरा डाल दिया है इसमें। उसको अच्छे से मैं दबा लूँगी, और देखिए यही मेरी मिठाई ख़राब हुई है। देखो आपको दिख रहा होगा, जो मैं प्लेट में डाल रही हूँ एकदम सूखा सूखा हो गया है, क्योंकि मेरी यहाँ गलती हो गई है। क्योंकि मेरा छोटा सा बच्चा है और वो रोने लग गया, तो उसका देखने चली गई तो गैस चालू था और ये ज़्यादा ही सूख गया है। इतना नहीं सूखाना था मुझे, ये ज़्यादा ही सूख गया है। और प्लेट में डालती हूँ तो देखो किस तरह से एकदम सूखा हो गया। फिर भी मैंने सोचा कि बन जाएगी करके, तो मैं इसको थोड़ा सा वही दबा के थोड़ा सा उसको मैंने कट लगा के रख दिए कि मैं मिठाई निकालूंगी। लेकिन क्या हो गया ना, मैं वीडियो आपके साथ शेयर भी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैं आपको दिखा भी नहीं पाई हूँ कि मैं क्या की हूँ। देखिए इस आपको क्लिक में लग रहा होगा कि मेरी मिठाई एकदम अच्छी बनी है, तो वो वाला जो मिश्रण था ना उसको मैंने मिक्सी में पीस लिया दोबारा। दोबारा जो मिक्सी में पीस लिया ना, तो एकदम उसमें बाइंडिंग आ गई। और बाइंडिंग आने के बाद देखिए बर्फी एकदम परफेक्ट बन गई है उसके बाद। तो मेरी कहाँ गलती हुई है, देखिए मेरी गलती सिर्फ ये हुई कि मैं बेबी को देखने वहाँ चली गई। थोड़ी देर में तो मेरा पूरा मिश्रण वहाँ सूख गया और मिठाई मेरी अच्छी नहीं बनी। देखो मैं प्लेट में निकाल रही हूँ मिठाई को, मिठाई एकदम बन के एकदम बढ़िया बन गई है। और यही मेरी गलती हो गई, इसीलिए मेरी मिठाई ख़राब हो गई थी। लेकिन मैं मिठाई मैंने अपनी अच्छी कर ली है और इतनी अच्छी बनी कि मुंह में डालते ही घुलने वाली बन गई है। तो ये वाली रेसिपी आपको कैसी लगी तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो आप ज़रूर शेयर करिए और लाइक करिए। और आप ऐसे ही मेरे नए नए वीडियो देखते रहिए, मैं आपके लिए हमेशा नए नए कुछ ना कुछ वीडियो लाती रहूँगी। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।